तो अब एक नया कंसेप्ट ऑडियो बुक्स का भी आ गया है। अब आप, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कुछ लोगों को जिनका टारगेट होता है 1 साल में 100 किताबें खत्म करना, ठीक से पढ़ना, पर पढ़ के नहीं कर पाते। अगर घर से ऑफिस जाते हैं 1 घंटे का रास्ता है, या सैर करते हैं 1 घंटे के लिए, तो ऑडिबल जैसी किसी ऐप को, या और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं ऑडियो बुक्स की, किसी एक ऐप से ऑडियो बुक परचेज की, अपने कान में छोटा सा एक जो ईयरफोन्स होते हैं वो लगाए, और 1 घंटे की यात्रा में एक किताब का लगभग 2/3 या 1/3 हिस्सा सुन लिया। अब जो 1 घंटा में यात्रा में खराब कर रहा था, वो 1 घंटा मेरे लिए आत्मसंधान की प्रक्रिया बन गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कभी नहीं सोचा था। फिर अगर मुझे कोई सद्गुण विकास करना है, कोई अगर मुझे वर्च्यूज को डेवलप करना है, तो ऐसी बहुत सारी एप्स आ गई हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका एक रूटीन अच्छा बन जाए, रूटीन को सेट करने के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं। आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे, वो चेक करने के लिए आपका ऐप मॉनिटर आपके फ़ोन में लगा हुआ है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं।